आगे राजनीति में सबकि संभव शेषे सब कल्पना जल्पनार अंत घटाई पद्म पोखरी में लंब प्रदान करजेडी पूर्वतन वरिष्ठ नेता तथा पारादीप विधायक दाम राउत दिल्ली ठारे बीजेपी राष्ट्रीय दल में सामिल होती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह बीजेपी राष्ट्रीय उपसभापति तथा प्रवक्ता बैजयंत पंडा राजनेता कनक वर्धन सिंहदेव प्रमुख उपस्थित दामोदर बीजेपी दल में सामिल होती अपरपक्ष दामोदर राउत पुत्र तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता समीर राउत राय तीव्र प्रतिक्रिया कहिले बापा लड़ा संपूर्ण प्रस्तुत अपरपक्ष डॉक्टर दामोदर राउत तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता चांचल्यकर बयान मु पकई छेप ढोके 2019 रे नवीन बाबू को विदा करिबा मोर लक्ष्य एवं गणमाध्यम चर्चित यही राजनैतिक लड़े को नहीं आम विशेष प्रसंग बाप पुओ लड़े प्रथम आम ओडिशा घरे घरे परिचित तथा वरिष्ठ वयस्क राजनेता पूर्वतन मंत्री डॉक्टर दामोदर राउत संपर्क में सम्यक सूचना प्रदान कर डॉक्टर दामोदर राउत 1977 मसीह प्रथम राजनीति में प्रवेश करते पर मुहूर्त राजनीति में निजर व्यक्तिगत प्रतिभा गठन करने राज्य विकास अनेक काम कर मझे मझे बदय बयान दे गणमाध्यम मुख्य प्रसंग पलटवाक मंत्री पदवी छाड़ा पड़ता शेष मुहूर्त ब्राह्मण बदय बयान दे मंत्री पदर बहिष्कृत कर डॉक्टर दामोदर राउत बीजेडी दल मधे कि आभ्यंतरीण तथ्य धीरे धीरे गणमाध्यम परिप्रकाश करते जहाँ विरोधी दल मान जलुवा निय ढाला सदृश प्रसंग सृष्टि करहायक होता शेषे मान्यवर मुख्यमंत्री तथा बीजेडी दल सभापति नवीन बाबू द्वारा यह वरिष्ठ व्यक्ति दामोदर राउत को दल बहिष्कृत कर मुहूर्त नवीन पटनायक और बीजेडी दल को ओडिशा राजनीति हटावा दाम राउत नहीं संकल्प सारा ओडिशा घूरी घूरी निज समर्थक को गोटाइवास निजे एक आंचलिक दल गठन करते ठीक यही समय डॉक्टर दामोदर राउत जातीय दल कांग्रेस और बीजेपी निज आड़ टाणी भित्तिरी संपर्क स्थापना करती जहाँ गणमाध्यम चर्चा प्रसंग पलटे शेषे सबु चर्चार पूर्णच्छेद पक पद्म पोखरी को डे पड़ती डॉक्टर दामोदर राउत अंपक्ष दाम राउत पुत्र समीर राउत बीजेडी दल तरफ पारादीप निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी भाव लड़ा नवीन नवास में पहुंची निजर बायोडाटा दे जनापड़ी पारादीप निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी भाव उभर समीर राउत राय जदि बीजेपी तरफ दाम को जगत सिंहपुर जिलार जेकोसी निर्वाचन मंडल में ढड़ा कराए बीजेडी प्रतिशोध परायण हो पुआ को बापा लड़बार ना